हिंदू भाई बहनों, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसों क्रिसमस के चलते तिरुपति में श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में ईसाई प्रार्थना और क्रिसमस सेलिब्रेशन किए गए थे। आप पहले वो वायरल वीडियो को देखें, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहली बात, वो टेंपल टाउन ऑफ आंध्रा कहने वाला तिरुपति में स्थापित है, वो भी हमारे भगवान के नाम पर। और 2022 में ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी स्वायत्त विश्वविद्यालय तिरुमला मंदिर से कुछ करोड़ों रुपए का जमीन ली। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी वाले इसके साथ साथ वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर रोजा को भी क्रिसमस समारोह में बुलाए, जो बहुत अजीब हरकतें करने में प्रसिद्ध है। कई सोशल मीडिया पर उन पर ये भी आरोप किए कि वो भी एक क्रिप्टो ईसाई है, पर सच सिर्फ भगवान जाने। दूसरी तरफ कॉन्वेंट्स में, मिशनरी कॉलेजेस में लड़कियों को बिंदी तक नहीं लगाने देते हैं, चूड़ी नहीं पहन सकते। हमारे त्योहारों पर जश्न मनाना तो दूर की बात है, और हमेशा हमारे हिंदू को ही ये कौन सा शौक है कि वो आपस में क्रिसमस मना ले, ईद मना ले। जो भी सेक्युलर हिंदू ये समझकर कि सारे धर्म प्यार की ही बात करते हैं और अपने बच्चों को सांता जैसे तैयार करके स्कूल भेजती हैं, कॉलेज भेजती हैं, हिंदू विद्यार्थी ऐसे बैठकर ईसाई प्रार्थना सुन रहे हैं, गा रहे हैं। वे कभी श्रीमद् भगवद गीता को और बाइबल को दोनों को पढ़ें ताकि आपको धर्म और अधर्म का मतलब पता चले। बाइबल में दो किंग्स अध्याय 17 वाक्य 14 और 15 को पढ़ रही हूँ, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी। वे अपने पूर्वजों की तरह बड़े हठी रहे। उनके पूर्वज यहोवा अपने परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। लोगों ने अपने पूर्वजों द्वारा यहोवा के साथ की गई वाचा और यहोवा के नियमों को मानने से इनकार किया। उन्होंने यहोवा की चेतावनियों को सुनने से इनकार किया। उन्होंने निकम्मे देव मूर्तियों का अनुसरण किया और स्वयं निकम्मे बन गए। उन्होंने अपने चारों ओर के राष्ट्रों का अनुसरण किया। ये राष्ट्र वह करते थे जिसे ना करने की चेतावनी इज़राइल के लोगों को यहोवा ने दी थी। सुने आप, मूर्तियों को, मूर्ति पूजकों को निकम्मा कह रहा था बाइबल गॉड यहोवा। एक और वाक्य में तो मूर्ति पूजा को व्यभिचार से तुलना किए थे। उसके बारे में मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में भी बताई। तिरुमला मंदिर को खुले आम चाहे सरकार हो या ऐसे मजहब के लोग परोक्ष रूप से लूट रहे हैं। अगली बार जब कोई ईसाई शांति और प्यार की बात करे तो उन्हें बाइबल से ये वाक्य दिखाना, और हम हिंदुओं को हमारा सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बिना सबूत वाले त्योहार मनाने का भी कोई लॉजिक ही नहीं है। असल में देखा जाए तो यीशु सच में पैदा हुआ तो वो हिंदुओं के लिए कुछ खास बात नहीं है। ये पादरी लोग अपने मजहब को अच्छा दिखाने के लिए कहते हैं कि यीशु पापों को क्षमा करने पैदा हुआ। दूसरा साइड नहीं कहते हैं कि यीशु जो जो उसको नहीं मानेंगे उसको सदा नरक में भेजेगा। तो जो हिंदू ऐसे क्रिसमस पार्टीज पर जा रहे हैं, प्रेयर्स पर जा रहे हैं, वो एक बार सच को जाने तो सही। प्यार भरी बातों के पीछे उन तलवारों को देखिए। हमारे मंदिरों को ऐसे मिशनरी माफिया से बचाइए। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।